अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बाबर सलीम है। आई एम वर्किंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज। मैं एक रोमेटोलॉजिस्ट हूँ और रोमेटोलॉजी एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो जिसमें उन लोगों का इलाज किया जाता है इन जोड़ों और पट्ठों का प्रॉब्लम हो। और हॉस्पिटल की जो प्रेवलेंस है, तकरीबन 15-20% ऑफ द पेशेंट्स हु आर कमिंग टू द हॉस्पिटल हैव सम काइंड ऑफ जॉइंट पेन, किसी ना किसी किस्म का। 15-20% लोगों को जोड़ों का, पट्ठों का, कमर का, शोल्डर का किसी ना किसी किस्म का पेन ज़रूर होता है। और हमारी वजह ये लोग हमारे पास फिर आते हैं और इनका इलाज किया जाता है। इनमें से बेशुमार पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, आधे से ज़्यादा मरीज़ दवाइयों की मदद से, रिहैबिलिटेशन से, फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं, मगर 1/3 ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं जिनको इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। कुछ वक्त पहले ये इंजेक्शंस लैंडमार्क रिलेटेड इंजेक्शंस लगाए जाते थे। फॉर एग्जांपल, हाथ से फील किया जाता था कि कहाँ पे मैक्सिमम पेन है और उसके मुताबिक वो इंजेक्शन लगाए जाते थे। फिर अब जदीद दौर के साथ साथ नई मशीन्स आ चुकी हैं, इसको मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड की डिटेक्ट कर देता है एग्जैक्टली आपने इंजेक्शन कहाँ पर लगाना है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हायर एजुकेशन कमीशन का और एक डिपार्टमेंट का कि उनके वसूल से हमें एक हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ और हम हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू हमने एक अल्ट्रासाउंड की मशीन, बहुत हाई एंड अच्छी मशीन हमें मिली। वी स्टार्टेड द जर्नी और हमने पेशेंट्स को कंपेयर करना शुरू कर दिया। हाफ ऑफ द पेशेंट्स को हमने लैंडमार्क से इंजेक्शन लगाए, फील करके इंजेक्शन लगाए, जहाँ में लगा कि यार दिस इज़ द एग्जैक्ट पॉइंट, यहाँ पे लगाया जाए। और हाफ ऑफ द पेशेंट को हमने अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन लगाया, देख के लगाया जहाँ एग्जैक्टली पेन था, और हमने कंपेयर कर दिया किस में सेफ्टी ज़्यादा है और किसकी एफिकेसी ज़्यादा है। और हमें बड़ा अच्छा लगा कि जब हमने अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन लगाए, उनका डेफिनेटली रिजल्ट जो था स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट था, एफिकेसी में भी और सेफ्टी में भी। एक तो ये बात। और इस प्रोजेक्ट को हमने महज यहाँ नहीं रुके, हमने इस प्रोजेक्ट के अवर्स जो हमने अल्ट्रासाउंड की मशीन ली थी, इस मशीन को हमने ट्रेनिंग के लिए भी शुरू कर दिया। बिकॉज मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड बड़ा लिमिटेड पाकिस्तान में यूज़ होता है और बहुत कम लोग मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमारी यूनिवर्सिटी, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज ने मास्टर्स प्रोग्राम शुरू करवाया है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, और वहाँ पे इनका एक प्रॉपर 2 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड की बेसिक कोर्स में। वो भी हमारे डिपार्टमेंट ने रिसेंटली शुरू करवा दी। उसको हम मस्कुलोस्केलेटल इस प्रोजेक्ट से ना सिर्फ हम एक अपना एक एनालिसिस निकाला हमने इंजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेशेंट्स का बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट हमने वी आर ऑल्सो यूजिंग इट फॉर द न्यू डॉक्टर्स, न्यू जो रोमेटोलॉजी में लोग आ रहे हैं, ऑर्थोपेडिक्स में आ रहे हैं, फिजियोथेरेपी में आ रहे हैं, उनको भी हम सिखा रहे हैं। तो आई एम अगेन थैंकफुल टू हायर एजुकेशन कमीशन एंड ऑरिक डिपार्टमेंट।